आज मैंने सूर्य से बस जरा सा यूं कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा। तम तमा कर वह दहाड़ा, मैं अकेला क्या करूं, तुम निकम्मों के लिए मैं ही भला कब तक मरूं। आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो, संग्राम यह घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो। सामंजस्य के साथ में संग्राम लड़ने की प्रेरणा देने वाला हिंदी का यह कवि लेखक अपने काव्य एवं लेखन से लोगों को प्रेरित कर 13 मई 2018 को इस फानी दुनिया से विदा हो गया। हिंदी भाषा की जड़ों को गहरा कर उसकी सुगंध से जहान को महकाने वाला यह कवि हिंदी की आकाश गंगा का ध्रुव तारा था। इनका जन्म 10 फरवरी 1931 को मंदसौर जिले की मनासा तहसील के रामपुर गांव में हुआ था और इनकी मृत्यु भी अपने गृह नगर मनासा में हुई। यदि आप अपने बुनियादी कर्म से ही मुंह फेरते हैं तो आपके जीवन की सार्थकता नगण्य हो जाती है। बाल कवि बैरागी ने कहा है, हैं करोड़ों सूर्य लेकिन सूर्य हैं बस नाम के, जो न दे हमको उजाला वे भला किस काम के, जो रात भर लड़ता रहे उस दीप को दीजे दुआ, सूर्य से वह श्रेष्ठ है तुच्छ है तो क्या हुआ। वक्त आने पर जो मिला ले हाथ अंधियारे से, संबंध उसका कुछ नहीं है सूर्य के परिवार से। इस कविता में वर्तमान में घटित हो रही राजनीति का अक्ष भी हम देख सकते हैं। अंधेरे से लड़ने वाले उस जर्रे को हमें आफताब से ज्यादा महत्व देना ही होगा। बाल कवि बैरागी का जिक्र होने पर हिंदी फिल्म रेशमा और शेरा का गाना यक बयक जहन में खलबली पैदा कर देता है। हिंदी का ऐसा सुथरा प्रयोग दुर्लभ है, क्योंकि शब्दों की क्लिष्टता सरसता में बाधक बन जाती है। लेकिन आप ये गाना सुने, इसके शब्दों पर गौर करें, आप अपनी बात से मुकर कर भी एक आनंद में मुब्तला होंगे। उदाहरण के तौर पर देखें, तू चंदा में चांदनी, तू तरवर में शाखरे, तू बादल में बिजुरी, तू पंछी में पात्रे। शुद्ध संस्कृत के साथ देशज शब्दों का समागम लवों पर जुम्बिश का बायस बनता है। उनकी एक कविता चाय बनाओ के साथ हम हमारी रिपोर्ट को ऐसे अंजाम तक पहुंचाते हैं जो सही मायनों में आगाज है। बड़े सवेरे सूरज आया, आकर उसने मुझे जगाया, कहने लगा बिछोना छोड़ो मैं आया हूँ सोना छोड़ो, मैंने कहा पधारो आओ आकर पहले चाय बनाओ, गरम चाय के प्याले लाना फिर आकर के मुझे जगाना, चलो रसोई घर में जाओ दरवाजे पर मत चिल्लाओ। बाल कवि बैरागी का योगदान भारतीय राजनीति एवं हिंदी साहित्य के लिए उस महान वट वृक्ष जैसा है जहाँ कभी कोई बैठकर गौतम बुद्ध की तरह जीवन के महान प्रश्नों के उत्तर ढूंढेगा। धन्यवाद।